गुड मॉर्निंग। तो जय हिंद सबको। तो मैंने आपको ये बताया था ये कीबोर्ड के बारे में, जो यहाँ पे बहुत काफ़ी फास्ट इससे टाइपिंग होती है फाइटर्स के लिए, सबको यहाँ पे फास्ट टाइपिंग चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे फास्ट टाइप कैसे कर सकते हो, तो मैंने आपको बता दिया था पहले। अगर आपको नहीं पता इसको डाउनलोड करना, तो मेरे चैनल पर सिंपल सा जाना, अगर आप पहले न्यू हो ना तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप कोई भी अपडेट यहाँ पे मिस ना करो, ये बिल्कुल फ्री है। तो आप यहाँ पे वीडियोज़ पे जाके यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फास्ट टाइप कीबोर्ड, ठीक है, अनएक्सेप्टेड कीबोर्ड। तो ये वीडियो आप देख लेना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको हिडिंग यहाँ पे जो हिडन इसकी हिडन तो आपको मैं इस कीबोर्ड के कुछ हिडन ट्रिक बताऊँगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैपिटल नहीं होता, तो ऑल टाइम ये कैपिटल नहीं रख सकता, इसको आपको बार बार कैपिटल करना है, ठीक है, बार बार कैपिटल करना है। तो यहाँ पे आप दो कीस एक साथ दबा के आप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दो की यहाँ पे टच कर ली, ठीक है, यहाँ पे देखिए दो की एक साथ यहाँ पे टच होकर यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। और उसके बाद आपको और क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मेरा कीबोर्ड काफ़ी छोटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड मेरा काफ़ी छोटा लग रहा है, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे बड़ा कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको सीधे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे कन्फर्म का, तो ये देखिए इस पर आप थोड़ी देर यहाँ पर क्लिक करोगे, देखिए आपको यहाँ पर ऐसे खुल जाएगा, ठीक है, सबसे नीचे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेआउट के बाद आप देखिए यहाँ पर इसका पिक्सल साइज, ठीक है, इसका पिक्सल यहाँ ये जो है ना पिकीसियंस ये जो है इसको आप चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस इसको भी आप ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे और तेज़ यहाँ पे लिखाई देगा, और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस इसको थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे यहाँ पे इसमें वाइब्रेशन है, तो मैं वाइब्रेशन के बता दे रहा हूँ, ये वाइब्रेशन है, ठीक है, और आपको अगर वाइब्रेशन हटाना है तो यहाँ से आपको क्लिक कर दीजिए, ये हट जाए, ठीक है, और दोबारा क्लिक करेंगे तो लग जाएगा। अब ड्यूरेशन, अगर आप यहाँ पे ड्यूरेशन भी इसको इसका यहाँ पे वाइब्रेशन, अगर आप वाइब्रेशन ऑन करते हैं तो इसका ड्यूरेशन कितना तेज़ यहाँ पे वाइब्रेट करे, ठीक है, उसकी साइलेंट यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, ठीक है, वाइब्रेशन की कितनी देर यहाँ पे कितनी बार करे, तो यहाँ पे 40 मिनट बार यहाँ पे जो होता है ना पर सेकेंड पर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड जो होता है ना यही है। तो आप देखते तो इसकी रफ्तार मतलब इसकी यहाँ पे तेज़ी कितनी हो सके, ठीक है, वाइब्रेशन की, तो इसको आप कम कर लीजिए, अगर आप यहाँ पे वाइब्रेशन ऑन करते हैं तो इसको यहाँ पे आप बढ़ा लीजिएगा थोड़ा, ठीक है, यहाँ से इतना कर लीजिएगा, और यहाँ पे अगर वाइब्रेशन आप नहीं करते हो तो इसको यहाँ पे हटा दीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मार्जिंग बॉटम, ठीक है, मार्जिंग बॉटम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये मार्जिंग बॉटम जो इसको आप यहाँ पर और ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है, की हाइट, ठीक है, जैसे मैंने की हाइट यहाँ पे छोटी करके रखी है तो यहाँ पे देखिए इसको आप बड़ी कर लीजिए, देखिए अभी मेरे यहाँ पे कीबोर्ड कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको आप एकदम करेक्टली एकदम फिट दिखेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए ये समझ लीजिए ये एक वो कीबोर्ड है, ठीक है, कंप्यूटराइज कीबोर्ड है, इसीलिए इसमें दिया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो यहाँ से, अगर आपको ये पहली बार इसको आपने देखा है तो आप ये वीडियो ज़रूर देख लेना, इसको कैसे डाउनलोड करना है इसमें मैंने पूरी तरह से बता कर रखा है, तो मुझसे किसी ने पूछा था तो मैंने इस पर ट्रिक बना दी। दोबारा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए।